रायपुराय कला के मोर्चा केवड़ी पहुंचे पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने कांग्रेस के पक्ष में प्रचार किया। मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कुणाल चौधरी ने कहा है कि पीएम मोदी ने विधानसभा चुनाव में जो वादा किया था अब तक पूरा नहीं हुआ है। तो रोजगार महंगाई कम करने की गारंटी तो नहीं हुई, परंतु झूठ की गारंटी जरूर है। पीएम मोदी को युवाओं को रोजगार देना चाहिए और धर्म के नाम पर बरगलाना नहीं चाहिए। पूछ रहा है और मध्य प्रदेश खास तौर पे पूछ रहा है कि जो झूठ की गारंटी 2023 के चुनाव में देके गए थे, जिसमें 2700 रुपए क्विंटल गेहूं का कहा था, 450 रुपए गैस की टंकी का कहा था, जिसमें महिलाओं को 3000 से 10000 का कहा था, जिसमें धान की कीमत का 3100 रुपए क्विंटल का कहा था, नौजवानों को रोजगार का कहा था, हर वर्ग के साथ जो छलावा किया उसके खिलाफ जनता इनकी गारंटी ढूंढ रही है। और कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं, कांग्रेस का न्याय पत्र है, जो माननीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल के जनता के दर्द को समझ के जिस न्याय में 30 लाख नौजवानों के नए रोजगार पद भरे जाएंगे, 8,850 रुपए महीना नए नौजवानों को तैयारी के लिए दिए जाएंगे, महिलाओं को 8,500 रुपए दिए जाएंगे, किसान का कर्जा माफ किया जाएगा, मजदूर की मनरेगा में 400 रुपए करे जाएंगे, 25 लाख तक का इलाज फ्री करा जाएगा और इस देश के अंदर सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना करा के उनका अधिकार दिया जाएगा और खास तौर पे इस देश के संविधान की रक्षा करने के लिए पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी और इसी के साथ कांग्रेस।